दातागंज थाना क्षेत्र के ग्राम नेता में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही बड़ी संख्या में मेला लगा। यह मेला जिला पंचायत बदायूं के अंडर में आता है। यहाँ एक ऐतिहासिक मंदिर है जो नेत कुमारी मैया के नाम से जाना जाता है। यहाँ आने जाने वाले भक्तों की मैया हर मनोकामना पूर्ण करती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। इस मेले का इतिहास के बारे में जानना चाहा तो स्थानीय लोगों ने बताया कि आपको सारी जानकारी बुजुर्ग जगदीश सिंह देंगे, जो कि मैया के ही वंशज हैं। हम इतिहास जानने के लिए बुजुर्ग जगदीश की तलाश में निकल पड़े। काफी प्रयास के बाद उनसे भेंट हुई तो उन्होंने बताया कि नेत कुमारी मैया हमारे पूर्वज है, हम उनके वंशज हैं। राजकुमारी नेत कुमारी अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए अयोध्या से चली थी और वह कंपिल जा रही थी कि आज मेला लगता है। यहाँ पर बहुत भयानक जंगल था और इस जंगल में रोहिले जाति के लुटेरों ने बहुत बड़ी संख्या में लूटने की उन पर धावा बोल दिया था। राजकुमारी के साथ जो सैनिक थे वह लड़ते लड़ते मारे गए। उसके बाद परिवार के राजा, पिता, चाचा, ताऊ साथ लुटेरों की लड़ाई हो गई, वह भी युद्ध में मारे गए। अंत में राजकुमारी नेत कुमारी रथ से तलवार लेकर स्वयं युद्ध में कूद पड़ी और उन्होंने सभी लुटेरों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में पीछे से उनके किसी लुटेरे ने तलवार मार दी जिससे उनका सिर कट गया तथा वह पत्थर की मूर्ति के रूप में सीज गई। उनके सिर को उनके पति लेकर चले गए। उन्होंने बचे हुए वंशजों को यहीं बसने का आदेश दिया और उन्होंने अपने वंशजों से सपने में कहा कि वह उनका मंदिर बनवाए, वह मंदिर पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगी और तभी से यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों का भला होता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा लोगों का मानना है। उनके वंशज अब यहीं 12 गाँव में बसते हैं। पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी में यह मेला लगभग एक सप्ताह तक चलता है। जी, क्या नाम है आपका? अजय पाल। कब से पूजा कर रहे हैं आप यहाँ पे? हमको तो 2 साल है भाई, हमारा परिवार चल रहा है, हमारे पिताजी खत्म हो गए थे। बात जी, मूर्ति की क्या विशेषताएं हैं? मूर्ति की 1000 साल से ऊपर बात है, इनकी कहाँ पता चले। जी, सुनने में आया कि आप मूर्ति को धोते हो तो बात जी, तो क्या होता है? तो यही है कि पानी आता है, खून का, खून का पानी आज भी आता है। हाँ, लाल पानी आता है। जी, प्राचीन मेला जो है अब से ना बहुत पुराना है, अब से ना कम से कम 100-200 साल पुराना है। जी, यहाँ की क्या मान्यता है? यहाँ की जो है देवी माता जो है नेत कुमारी नाम से जानी जाती है। यहाँ से जो भी आप मन्नत मांगोगे आपकी मुराद पूरी हो जी। इन जो जो यहाँ की देवी माँ हैं उनसे इतिहास कोई रिलेटेड रहा हो तो वो बताएं, क्या इतिहास है इनका, क्या क्यों यहाँ पे ये मेला मनाया जाता है? मेला जो है यहाँ आषाढ़ की पूर्णमासी को ये मेला माना जाता है, जून के महीने में। ये माँ बहुत सच्ची है, मेरी माँ। ये इनसे संबंधित कोई कहानी हो तो वो बताएं। इनसे संबंधित कहानी जो है, ये जो है सारे परिवार अकबर से यानी ठाकुर वंश से है, ठीक है। इनकी जो है जानकारी जो है माने परिवार के इतनी हमें जानकारी नहीं है, हम तो नए हैं, लेकिन पुराने बुजुर्गों को ये कहना है कि जो भी यहाँ की माता आगे जो है असल थे ठाकुर वंश से थी जी। इनके वंश जो है जब पहले यहाँ से गुजर रही थी तो इन्होंने कुछ प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा के बारे में इन्होंने जो जो इनके जो बातचीत चली तो झगड़ा एक बढ़ोने से हुई, इनके बारे में जो वंशजों से ऐसे झगड़ा हुआ, इनके बाद में इन्होंने माना जो है सूर्यास्त होते ही अपने प्राण यहाँ त्याग दिए और सारा शरीर पत्थर का हो गया। श्रद्धालुओं की तादाद की नहीं है यहाँ, तो क्या समझ लो 1-2 लाख आता है, ये कम से कम 1 हफ्ते मेला चलता है। हाँ, पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था रहती है, हमारा सारा इंतजाम रहता है पुलिस प्रशासन को। जी, यहाँ पे आप क्या कार्य करते हैं? आप यहाँ पर हम लोग पुजारी भी हैं जी। आपके पूर्वज भी पूजा करते थे यहाँ पे? हाँ, पूजा करते थे। कब से पूजा का प्रचलन चला रहा है? कब से पूजा का प्रचलन चला रहा है? प्रचलन तो जब से यहाँ माता जी का यहाँ प्रचलन हुआ है, जब से ही मंदिर हमारे लोगों के स्थान में है। आपका स्वागत है दातागंज से, मैं उमेश सिंह राठौर। आपको बता दूं कि इस समय तहसील दातागंज के मैं ग्राम नेता में पहुंच चुका हूं। ये नेता जुगसा में काफ़ी समय से प्राचीन मेला चला रहा है, यहां पर देवी जो है उनका सिर कटा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पे जब मैंने काफ़ी जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये अयोध्या से चलकर नेत कुमारी नाम की एक देवी थी जो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर लुटेरों ने उनको घेर लिया था। करीब 1 महीने तक लगातार संघर्ष चलता रहा। संघर्ष के दौरान उनकी यहाँ पर वो लोगों को सहार के जो लुटेरे थे उनको मार करके सीज हो गई थी। तब से ये मेला चला रहा है। ये मेला
जिला पंचायत के अंडर में आता है, जहां जिला पंचायत से यहां पे सारी व्यवस्थाएं की जाती है। पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद रहता है। यहां पर तमाम तरीके की दुकानें आपको मिल जाएंगी। जो भी श्रद्धालु आते हैं यहां उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कैमरामैन सतीश सक्सेना के साथ मैं ओमवीर सिंह राठौर।